अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदा, वड़कम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, क्या बात बोले तो। आज हमारे बीजापुर होंगे या कर्नाटका होंगे, आज बहुत खास और बहुत बड़ा दिन है, क्या बोले तो। आज है कर्नाटका राज्योत्सव, है हमारे कर्नाटका का एक जैसे सेलिब्रेशन, जैसे स्वतंत्र दिनाचरण और गणराज्य दिनाचरण जैसा हमें बनाते हैं, वो इसमें कर्नाटक राज्योत्सव हर एक स्टेट का अलग अलग दिन रहता है, उसके दिन ये पूरा जो प्रोग्राम है बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं। वो कैसा क्या बनाते हैं कहने का, क्या किस तरह सेलिब्रेट करते हैं कहने का, मैं आज इस मेरे ब्लॉग में बोल दूंगा। थे तो कंटिन्यू हो रहो और एक बार सब जने इनको कर्नाटक राज्योत्सव शुभाशय गलू का गोल को। ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहे सर। और आज का हमारा प्रोग्राम कहाँ चलने वाला मालूम है क्या? बहुत जने नहीं मालूम रहेंगे हमारा प्रोग्राम आज का कहाँ है बोले तो, क्या हमारा जो प्रोग्राम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीजापुर स्टेडियम में जो है वो प्रोग्राम होने वाला है। आओ पहले देखेंगे किस तरह थोड़ा बहुत तैयारी करे, सो थोड़ा ब्लॉग लिंक थे तुमने दिखा तुम किस तरह तैयारी करी बोल को। तो चलो गएंगे अंदर क्या, और एक बार सब जने को हैप्पी कर्नाटक राज्योत्सव, चलो गएंगे। ये देखो हमारा बीजापुर का स्टेडियम है, आज का जो कर्नाटक राज्योत्सव प्रोग्राम चलने वाला है ये स्टेडियम के अंदर चलने वाला है, देख सकते हैं स्टेडियम है। चलो मैं अभी अंदर दिखाता हूँ, ये हमारा मेन एंट्रेंस है, दिखाता हूँ तुम्हें। चलो ये एंट्रेंस एंटर करें, प्रोग्राम का मेन स्टेज जो बोलते हैं वो देखो कितना रेडी हुए है यहाँ पे। मैं यहाँ पे अभी ये जो ध्वज स्तंभ है इसके अंदर फ्लैग लगने वाला है, उसके बाद होस्टिंग भी होने वाला है, देख सकते हैं तैयारी। इधर हमारा बीजापुर का स्टेडियम है और मॉर्निंग का व्यू जब कितना भारी है यहाँ पे, सूरज कितना भारी होकर देख सकते हैं आज के दिन में। और स्टेडियम अभी पब्लिक कौन भी नहीं आने वाली भी है, आप देख सकते हैं कितना बारी रेडी करी अभी छोटा प्रोग्राम क्या कहीं का ये बोर्ड लॉन्च हो रहा नहीं मालूम, उनकी तैयारी उन्होंने वहाँ पे कर रहे हैं तो है। और यहाँ पे मेन साउंड सिस्टम वाले हैं जमादार बोल को। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे रैली भी होने वाली है, कर्नाटक राज्योत्सव है नी, उसके दिन रैली भी होने वाली है, और रैली किस तरह है क्या है कहने का वो भी मैं पुनः दिखा दूंगा। से चलो गएंगे, वो जो रैली है नी वो टेम्पल से स्टार्ट होकर हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम तक वो रैली रहता, तो चलो गएंगे अभी रैली के अंदर जो है हमें भी शामिल हुई थे। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ सिद्धेश्वरपुरी की तरफ पर, जाकर डायरेक्ट वहाँ का जो ट्रिप है दिखाता हूँ। अगर ये वीडियो पूरा पार्ट वाइज हुआ तो पार्ट वाइज तब तो नहीं थी, एक ही वीडियो में पूरा जो है शॉर्ट तरीके में मैं तुम्हें मेरे ब्लॉग के जरिए बता दूंगा थे। तो चलो कहेंगे फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट रैली के अंदर जो है यहाँ पे कर्नाटक क्रिया समिति की तरफ से करे सो है, देख सकते हैं फर्स्ट में जो है सिद्धेश्वर महास्वामी जी उन्होंने है, और सेकंड वन यहाँ उनका चालक दूसरा ये है। तो ये देख सकते हैं कर्नाटक समिति के तरफ से भी वैन है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की वैन है, हर एक डिपार्टमेंट के तरफ से अपने अपने वैन है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झड़पी। यहाँ पे घोड़ा भी है, हर एक डिपार्टमेंट के तरफ से जो है रैली के अवसर आज के दिन ये गाड़ियाँ हैं। यहाँ देखो कर्नाटक राज्य से शिवाशयगढ़ पर बोल कर देखो संगोल्ली रायण्ण वनिके ओबव्वा देख सकते हैं। हाय हाय, ये डीसी ऑफिस के तरफ से है। हाय सर, हेलो फ्रेंड्स, बरी होगुन एला डिपार्टमेंट इले गाड़ी अदाव। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಣಗಿ ಒಬ್ಬವ ಅವರು ಅದಾರ, ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಪುಷ್ಪ ನಮನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಿಂದ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬರಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ
विजयपुर नगर मत क्षेत्र मान्य श्री बसनगौड़ रामनगौड़ पापी यत्नाल साहेब मान्य अध्यक्ष कर्नाटक बाल विकास अकादमी कर्नाटक राज्य पोलिस सेवे हेच्चुवरी पोलिस अधीक्षक कानून मत्तु सुव्यवस्थे श्री रामनगौड़ ए हट्टी कर्नाटक राज्य कवायत दंड नायक श्री ईरसंगप्पा श्री तेली पोलिस निरीक्षक जिला सशस्त्र मीसल पड़े तम खड्ग गौरव रक्षण गौरवान्वित डॉक्टर एम बी सिदी मेड़ सवि सचि मन इवत अरुण डॉक्टर एम बी पाटील रवर परिसर प्रेम ते प्रीति परिसर मेलू इटे ऐतिहासिक हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी फ्लैग होस्टिंग वगैरह सभी हुए है। अभी आगे क्या क्या होगा पूरा प्रोग्राम डिटेल मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे ब्लॉग जो है सभी ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आगे क्या क्या होता करने का बोल दो, स्पीच भी है वो भी लेंगे। तो चलो गएंगे कवायत प्रारंभद अनुमतियन्नु पड़ेकोंडिद्दारे। कवायत दंड नायकरु वेदिके मेले विजयपुर जिलेय जिल्लाधिकारिगळु मान्य श्री पी भोबालन साहेब रवरु, मान्य मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारिगळु जिल्ला पंचायत ऋषि आनंद साहेब, अरण्य इलाखेय तंड वेदिके मुंभागदल्लि श्री अशोक कुमार संघि डीआरएफओ, अग्निशामक इलाके श्री उमेश तलकेरी, अग्निशामक ठानाधिकारी बालकियर प्रौढ़शाले कुमारी पुष्पा पाटील संतोष कुमार शेट्टि इवर नेतृत्व में, जोसेफ शाले विजयपुर स्काउट मत्तु गाइड्स तंड शेरोन जोसेफ अनिल तोळ्ळी श्रीमती प्रीति काळे इवर सहकार, सरकारी कन्नड हेण्णुमक्कळ मादरी प्राथमिक शाले तोळ्ळी कुमारी विजयलक्ष्मी मुलिमणि डॉक्टर नंदा तितोटे इवर सहकार, सरकारी हिरिय प्राथमिक शाले शांतिनगर तोरी भारत सेवा दलद तंडद परवागि संस्कृति भजंत्री श्रीमती एलएल तोरी इवर मार्गदर्शनदल्लि महात्मा गांधी प्रौढ़शाले विजयपुर भारत सेवा दल सागर हिप्परगि एसएफ चव्हाण अवर मार्गदर्शनदल्लि रुक्मांगद प्राथमिक शाले अजमत पांगी एल के कुलकर्णी इवर नेतृत्व में, जगज्योति बसवेश्वर आंग्ल माध्यम प्रौढ़शाले उमेर इनामदार एस एल राठौड़ अवर मार्गदर्शन गौरव वंदन सल्लिसिद्दारे। एस एस ए प्रौढ़शाले ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದು ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ
ಐಆರ್ಬಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ವಿಜಯಪುರ, ಡಿಎಆರ್ ವಿಜಯಪುರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ವಿಜಯಪುರ. ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಥ ಸಂಚಲನೆ ಬಿಎಲ್ಡಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ನಾಯಕರು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಜೋಕ್ಷ फ्रेंड्स, देखो ये कर्नाटक राज्योत्सव आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ. ये ब्लॉग अगर तुमने अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो. और अब तक कौन कौन सब्सक्राइब नहीं कर लिया सब्सक्राइब करो कर बोलते हैं, आपका ये ब्लॉग एंड करेंगे. जय हिंद, जय भारत.